दिन क्या कर रही है ये देखो, तब से 9 घंटे से राम मंदिर बनाने की कोशिश कर रही है। कौन से जानवर? क्योंकि वीडियो जो होगा ना चीकू, जब तुम बड़े बड़े हो जाओगे ना अपने बच्चों के साथ बैठ के देखना, कहना देखो हमारे मम्मी पापा हमें कितना खिलाते थे। सो हे गाइस, अभी मैं अपने छत पे हूँ और इतना प्यारा आज का माहौल है, चारों तरफ डीजे लगे हुए हैं, हर जगह अलग अलग राम जी के भजन चल रहे हैं, कीर्तन चल रहे हैं और इतने मजेदार भजन चल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है सच में कि हम अयोध्या में नहीं है, कानपुर में, लेकिन फीलिंग ऐसी आ रही है जैसे सच में हम अयोध्या में आ चुके हैं। सो हे गाइस, आज छुट्टी है तो मुझे था कुछ मजेदार खाने का, तो वो देखिए मेरे पतिदेव नीचे गए हैं, पिज्जा वाला भैया आ गया है और हमारा पिज्जा आ गया है क्योंकि चिकू का बहुत मन था। ये आ गया हमारा पिज्जा, ये आनू का ऑर्डर सबसे पहले आया। अच्छा, से पिज्जा नहीं है? ओ लो, इसमें क्या है? डोसा, जो आनू को पसंद है। और आनू देखो छुट्टी के दिन क्या कर रही है, ये देखो तब से 9 घंटे से राम मंदिर बनाने की कोशिश कर रही है आनू। वाह देखो कितनी गंदी आनू, वैसे खा लोगे? नहा धो के आनू ने यहाँ राम मंदिर बनाने का प्रयास किया, मंदिर का तो पता नहीं पर पूरी रेत रेत कर दी है। जो हैंड वॉश करो, ये देखो दरवाजा बन गया है, वो हवा भी उड़ रहा है। देखो आपका पिज्जा तो आया है नहीं, ये तो दीदी का है, तो आप भी खाओगे? ओ आनू जल्दी आओ, चीकू कह रहा है मैं ये भी खाऊंगा। सो गाइस, आनू को पिज्जा नहीं पसंद है जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, तो आनू के लिए आया है मसाला डोसा। आनू शेयर करोगे मुझसे? मसाला डोसा आनू शेयर करोगे आप किसी से? ये आनू के खिलौने हैं छोटे छोटे से, तो आनू के पास पिकनिक करने का मन था तो आनू इसी में चटनी खाएंगे, है ना आनू? चलो चलो निकालो जल्दी जल्दी। किसको रेटिंग कर रहे हो आप? अच्छा, जब कोई लाता है खाना टाइम पे ला देता है तो मेरे पतिदेव उसको स्टार देना नहीं भूलते हैं। और हमारी मम्मा वीडियो बना रही है। आनू डोसा, क्योंकि वीडियो जो होगा ना चीकू, जब तुम बड़े बड़े हो जाओगे ना अपने बच्चों के साथ बैठ के देखना, कहना देखो हमारे मम्मी पापा हमें कितना खिलाते थे, समझे? और अगर तुम मुकर गए ना कि हमें तो कुछ नहीं खिलाया और हम बहुत गरीबी में पले, तो यही वीडियो दिखाऊंगी मैं उनको। उनको उनको वाला है। म्याऊ भी आ गई, म्याऊ को भी खाना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ओरिजिनल वॉइस को म्यूट कर दिया बिकॉज ना बैकग्राउंड में बहुत तेज गाना चल रहा था राधा रानी का, और अगर वो गाना यहाँ पर आता तो कॉपीराइट आ जाता 110%। तो यहाँ पर हमने आयु को भेजा है क्योंकि आयु को पिज्ज़ा पसंद है, तो पिज़्ज़ा वाले भैया आ गए, तो हमने कहा भाई तुम जाओ और अपना पार्सल खुद लेकर के आओ। ये देखिए आयु नीचे पहुँच गया, क्योंकि बार बार 3 फुट ऊपर नीचे करना बहुत मुश्किल होता है, तो आयु गया और बहुत ही हैप्पी हैप्पी। वाओ चिकू आ गए, कहाँ कहाँ गिरे? चिकू का पिज़्ज़ा आ गया है, वो भी चोर चोर खाएगा चिकू। चिकू ही देखिए देखिए हैप्पी। चिकू ने बहुत मेहनत की अपना पिज्जा लेने के लिए, आनू का दोषा, और अब मैं भी जा रही हूँ खाने, वरना मैं यही करती रह जाऊंगी, है ना? छुट्टी का असली मजा यही है ना, छत पे एक साथ बैठ के ऐसे खाए रोज, मतलब रोज छुट्टी करनी थी, दिन छुट्टी तो मना रही हो। देखो आनू पानी किसने पी रही है, किसे पी रहे हो आनू? देखो। सो फ्रेंड्स, अभी भी आप देख रहे होंगे कि राधे राधे का गाना कितना ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि हमारे घर में अगल बगल हर जगह ना घर के आसपास सब ने अपने अपने डीजे लगा रखे हैं, बड़े बड़े स्पीकर लोगों ने चला रखे, तो भाई मुझे फिर से म्यूट करना पड़ा। तो फाइनली हमारा पिज़्ज़ा आ गया और यहाँ पर डोसा आ गया, हम लोगों ने खूब इंजॉय किया, छत पर धूप में बैठ कर खाया। और सच बताऊँ तो 10 से 12 दिनों के बाद आज हम धूप में बैठे थे, हमने वृंदावन में ही धूप ली थी, उसके बाद धूप नहीं मिली थी, तो आज बहुत अच्छी प्यारी सी धूप खिली थी, क्योंकि भाई राम जी आए हैं तो धूप खिलना तो बनता ही है। और राम जी के आने की खुशी में चारों तरफ गाने चल रहे थे, खैर जो भी हो, तो हमने तो कुछ इस तरह से इस दिन को सेलिब्रेट किया। शाम को मैंने अच्छी सी खीर बनाई, पूड़ी बनाई, घर में दिए जलाए और भगवान जी को भी भोग लगाया, क्योंकि भाई राम जी आ रहे तो उनका स्वागत तो करना बनता ही है। आ गया। अब पापा का वीडियो नहीं बनाऊंगा। कौन से जानवर? वाह, ये कौन से? टमाटो। चिकू को पसंद है टमाटो? बताओ जाओ जल्दी ले लो अपना, चलो फटाफट लो, टाइम हो रहा है, ट्यूशन बचाने वाले हैं।
सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पर फिनिश करते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मजेदार लगा होगा, थोड़ा सा पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूले, एज वेल एज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी फैमिली व्लॉग्स और फनी वीडियोस देखने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नई मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।